सो आई होप गाइस आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो आप सभी लोगों का इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन था, सो इसके लिए इस वीडियो का मैं ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। उससे पहले आप सभी लोग देखो कौन कौन बंदों ने इस पर कमेंट किया है। सो ये जो आप सभी लोग फर्स्ट वाला जो वीडियो देख रहे हो लड़की वाला, सो ये अलर्ट मोशन का क्रिएट हुआ एक वीडियो। और उसके बाद जो आप सभी लोग देख सकते हो ये जो रेड कलर की जो ये वीडियो है, सो ये किनेमास्टर की वीडियो है। दोनों में से फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ इसका जो अलर्ट मोशन से जो ये क्रिएट किया हुआ है, सो इसका जो जूम इन एंड जूम आउट है उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही अच्छा। और ये जो आप सभी लोग देख सकते हो इसका बहुत क्या बताए उससे थोड़ा सा लो है, ठीक है। सो आप सभी लोगों को अलर्ट मोशन का ट्यूटोरियल डालूंगा तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो आप सभी लोग इसको सिंपली देखो और इन्जॉय करो। इसको आप सभी लोग कैसे एडिटिंग करोगे वो आप सभी लोगों का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ओके सो आप सभी लोग इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप सभी लोग वीडियो को कंटिन्यू करो या फिर जो कोई वे स्किप करके जा सकते हो। सो सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को किनेमास्टर मोड वर्जन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पहले वाला लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। सो सबसे तो पहले आप सभी लोगों को प्लस वाले आइकन में टैप 9:16 रेशो को चूज़ कर सकते हो या फिर 1:1। सो 9:16 रेशो को मैं चूज़ करूँगा और इस जगह से हमारी जो वीडियो उसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। सो ये है हमारी वीडियो, आप सभी लोगों का वीडियो इस तरीके से है कुछ। सो आप सभी लोग वीडियो के अंदर टैप और ये सीजर के आइकॉन आप सभी लोग देख सकते हो, उसके राइट साइड में जो आइकॉन है आप सभी लोग क्लिक करो और ये मल्टीपल में क्लिक कर दो। उसके बाद आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर ही इसको जूम कर दो, ठीक है। सो अच्छी तरीके से इसको जूम करो। जूम करने के बाद आप सभी लोगों का जितना भी पार्ट डांसिंग कर रहा है उतना पार्ट को लेने के बाद बाकी सबको कर दो डिलीट, ठीक है। सो इस जगह से हमारी ये डांस कर रही है, ओके। सो इसका लेफ्ट साइड का पोर्शन को हम लोग कर देंगे डिलीट और राइट साइड का पोर्शन को सिंपली हम लोग रख लेंगे। सो ये कैरेक्टर देख सकते हो ये जो हमारी लेंथ है, ठीक है, उसका बाहर चले जा रही है। सो इसके लिए हम लोग सिंपली इस वीडियो के अंदर टैप और वही जूम वाला ऑप्शन में क्लिक और इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट साइड की ओर ले जाएंगे। सो इससे क्या होगा कि हमारी ये कैरेक्टर मिडिल पोजिशन में आ जाएगी और साइड बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी आ रही है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। सो मैं फिर से एक बार इसको कर दूँगा प्ले। सो प्ले करने के बाद देख सकते हो कि अब थोड़ा सा ठीक है। सो इतना दूर हो जाने के बाद ये कुछ इमोट दिखा रही है, ख़त्म, ठीक है। सो अब बस इसका राइट साइड का पोर्शन को हम लोग कर देंगे डिलीट। सो जितना भी आप सभी लोगों का पार्ट है 9:06 उसको आप सभी लोग एक्सपोर्ट कर लो। उससे पहले इसका जो कलर है उसको आप सभी लोग एडजस्ट करो। सो इस वीडियो के अंदर टैप एडजस्टमेंट में क्लिक। सो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एडिटिंग करूँगा और ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो करूँगा, ठीक है। सो अब बस इसको सिंपली हम लोग 180p 30fps या फिर 720p 60fps पर आप सभी लोग एक्सपोर्ट करो। सो एक्सपोर्ट मैं पहले से कर रखा हूँ, सो मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। सो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आप सभी लोग BSCO का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सिंपली आप सभी लोग जाकर डाउनलोड करो। सो सबसे पहले इसका इंटरफेस कुछ लॉगिन टाइप के देखने को मिल जाएगा। सो आप सभी लोग जीमेल से लॉगिन करना, ठीक है, आप सभी लोग याद रहिए आप सभी लोगों का जीमेल से लॉगिन करना चाहिए। सो उसके बाद इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगी, प्लस वाला आइकन में टैप और इमेज सेक्शन आप सभी लोगों को फर्स्ट में मिलेगा, उसके बाद वीडियो सेक्शन। सो वीडियो सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप सभी लोगों का रिसेंट जो भी आप सभी लोगों ने एक्सपोर्ट किया उसको आप सभी लोग इम्पोर्ट कर लो। सो मेरे मुताबिक जो हम लोग एक्सपोर्ट करके रखी थी, सो वो ये हमारी वीडियो। सो इसको लेने के बाद हम लोग इंपोर्ट में क्लिक करेंगे। सो इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट सक्सेसफुल। सो ऊपर में हमारी वीडियो आ चुकी है, वीडियो के अंदर टैप और नीचे आप सभी लोगों को एडिटिंग का टूल मिल जाएगा, ठीक है, एडिटिंग टूल में क्लिक। सो आप सभी लोग आप देख सकते हो ऐसे कुछ आप सभी लोगों को इंटरफेस दिखाएगी। सो ये है 1:1 रेशियो का। सो मैंने बोला था 9:16 आप सभी लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। सो हम लोग ये नीचे बहुत सारा टूल मिल जाएगा, उनमें से सेकंड वाले टूल के ऊपर टैप करेंगे और फर्स्ट में आप सभी लोगों को स्पीड मिलेगा। सो स्पीड में आप सभी लोग जब भी क्लिक करोगे, सो ये आप सभी लोगों का स्पीड कंट्रोलर। सो इसको आप सभी लोग एकदम से लास्ट को ले जाना और ये जो आप सभी लोग देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूँ स्मूथ पे, ठीक है, ये कलरफुल होना चाहिए। सो ये वो कलर की ये कलरफुल है। सो आप सभी लोग देख सकते हो स्मूथ हो रही है, ठीक है। अब इसको ऑफ करूँगा सो ये लैग हो रही है। सो इसको स्मूथ में कर लेने के बाद इसको डन ऑप्शन में क्लिक और नेक्स्ट में क्लिक। नेक्स्ट आप सभी लोगों को ऊपर में मिलेगा और गाइस आप सभी लोग ऊपर में दो बटन मिलेगा, एक है पोस्ट BSCO, मतलब है इसका एक ऑफिशियल एक टिकटॉक की तरह एक पेज है। सो उसमें ये पोस्ट हो जाएगा या फिर आप सभी लोगों का ऊपर में सेव दिख रही है तो ये गैलरी में सेव होगा। सो सिंपली आप सभी लोगों को ये गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको सेव में क्लिक कर देना। सो सेव में क्लिक कर दोगे सो ये करीबन थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये इसको पहले से एक्सपोर्ट करके रखा हूँ, सो मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। सो इसको मैं सिंपली मिनिमाइज कर देता हूँ और फिर से मैं चले जाऊँगा किनेमास्टर के ऊपर।
अब गाइस हम लोग फर्स्ट में चले जाएंगे प्लस बेल आइकन में टैप 60, जैसे कि हम लोगों ने 9:16 रेशियो को लिया था या फिर हमारे जो वीडियो 1:1 रेशियो का है सो हम लोग चूज़ कर लेते हैं। और हम लोगों ने जो अभी अभी BSCO के अंदर जो एक्सपोर्ट किया हूँ मैंने पहले से कर रखा था, आप सभी लोगों को भी बोला हूँ, सो उसको आप सभी लोग इम्पोर्ट कर लो इस तरीके से। सो देख सकते हो 9 सेकंड का वीडियो 1.34 सेकंड का हो चुका है करीबन डेढ़ मिनट का। सो अब गाइस इसका सिंपली लास्ट में चले आओ। अब गाइस इस जगह पे आप सभी लोग मीडिया में जाके जो कोई भी एक फ़ोटो या फिर बैकग्राउंड आप सभी लोग इंपोर्ट करो। सो मैं एक ब्लैक कलर की इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये जो आप सभी लोगों का ब्लैक कलर की लेयर है इसको आप सभी लोग जितना भी आप सभी लोगों का वीडियो है उससे एक मिनट ज़्यादा, ठीक है, सो आप सभी लोगों का 20 सेकंड का वीडियो है तो आप सभी लोग 20 सेकंड प्लस 60 सेकंड्स मतलब 1 मिनट 20 सेकंड आप सभी लोग करोगे। सो ये 2 मिनट का वीडियो है तो आप सभी लोग ब्लैक कलर के लेयर को 3 मिनट कर देना, ऐसे कुछ आप सभी लोग कर लेने के बाद। सो मैं इसको कटआउट कर देता हूँ। ओके सो आप सभी लोग ये एक्स्ट्रा पार्ट आप सभी लोग ये ब्लैक कलर की 1 मिनट का लेना। सो आप सभी लोगों को सिंपल इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है, खुद का वीडियो को BSCO से जाके एक्सपोर्ट कर लेने के बाद इस जगह पे इंपोर्ट करो। उसके बाद राइट साइड में आप सभी लोग ब्लैक कलर की या फिर जो कोई भी कलर की एक इमेज को ऐड करो। उसके बाद इसको कर दो 1080p 30fps पर एक्सपोर्ट। सो ये मैंने पहले से एक्सपोर्ट कर रखा था सो मैं इसको कर दूंगा कैंसिल और मैं फिर से इसको बैक करूंगा और फिर से नया एक टैब खोल लूंगा। सो हम लोगों ने अभी अभी जो एक्सपोर्ट किया उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो वो वीडियो है, सॉरी गाइस, सो ये वो वीडियो ये वाला, ठीक है, सो इसको डिलीट, ये वीडियो ये वाला। सो ये देख सकते हो प्ले करने के बाद ये स्लो मोशन दिखा रही है और ये लास्ट में आप सभी लोगों को ब्लैक कलर की लेंथ मिलेगी, ऐसे कुछ आप सभी लोगों को मिलेगी, ठीक है। सो सिंपली आप सभी लोग लेयर में क्लिक करो और मीडिया में क्लिक करो और इस जगह से आप सभी लोग हमारी जो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी लोगों को एक फाइल GFX पैक मिलेगा। सो उसको आप सभी लोग डाउनलोड करो। सो उसके अंदर आप सभी लोग एक फ़ोटो मिलेगा, ठीक है, सो उस फोटो को तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये मिल गया, ठीक है। सो इस फोटो को आप सभी लोग देख सकते हो 1.534 1.967। सो इसको आप सभी लोगों को क्या करना है, उससे पहले इसका लेंथ को आप सभी लोग पूरा का पूरा फुल कर दो जितने भी आप सभी लोगों का वीडियो है। अब गाइस आप सभी लोग ये देखो 1.534, ठीक है, सो आप सभी लोगों को ये जो रेड कलर के जो मार्कर है, ठीक है, इसको आप सभी लोग 1.534 पे ले जाओ। सो 1.53, सो आप सभी लोगों को ऐसे ना हो तो आप सभी लोग इसको जूम कर लेना पूरा अच्छे तरीके से तो आप सभी लोगों का हो जाएगा 1.5, ये 3 के करीबन आसपास चले आए तो हो जाएगा, ठीक है, वही परफेक्ट वैसा ही चाहिए तो नहीं होगा तो वैसा कुछ भी नहीं है। सो आप सभी लोग 1.5 के अंदर भी आके भी कर सकते हो। सो इतना दूर आने के बाद आप सभी लोग सिंपल इस जगह पे टैप करो। सो ये देख सकते हो एक नया एक बुक मार्क हो चुका है। सो ऐसे ऐसे आप सभी लोगों को सारे जगहों पे आप सभी लोगों को एक एक करके बुक मार्क कर लेनी है। सो ये हमारी 1.534 पे हो चुका है। अब गाइस हम लोग 1.967 पर चले जाएंगे। सो 1.967, ठीक है, 6.8 हो चुका है। सो इसके ऊपर मैं ऐसे टैप करूँगा। सो ऐसे ऐसे आप सभी लोगों को पूरा जितना दूर है 21.167 इतना दूर आप सभी लोगों को कर लेना है। सो उससे पहले ही आप सभी लोगों का वीडियो ख़त्म हो जाए तो कुछ नहीं। सो इतना दूर आप सभी लोगों को पॉइंट कर लेने के बाद ये जो आप सभी लोगों का फोटो है इसको आप सभी लोग सिंपली डिलीट कर दो। इसका मतलब है गाइस आप सभी लोग जैसे कि इस जगह पे ही देख के आप सभी लोग कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट किया था लेयर में जाके। सो अब गाइस आप सभी लोगों को GFX पैक्स के अंदर और एक सॉन्ग का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। सो उस सॉन्ग का आप सभी लोग ऐसे ऑडियो में जाके आप सभी लोग ऐड कर लो। सो ये हमारी सॉन्ग। सो ये सॉन्ग के साथ ये जो मैंने मार्किंग किया था सो ये सॉन्ग के साथ ही आप सभी लोगों को ऐड कर लेनी है। सो आप सभी लोग दूसरे सॉन्ग को ऐड करोगे सो नहीं होगा। सो दूसरे सॉन्ग पर आप सभी लोगों का जिस जगह पे बीट होगा उस जगह पे आप सभी लोग खुद के हिसाब से मार्किंग करो। मार्किंग कर लेने के बाद आप सभी लोग काम चलाओ, ठीक है। सो आप सभी लोगों को मैं सिंपली समझा देता हूँ आप सभी लोगों को क्या करना है। ये पहली वाली पॉइंट के अंदर चले जाना है, क्लिक, ओके। सो आप सभी लोग वीडियो के अंदर टैप, इस सीजर में क्लिक और स्पीड टू प्ले, ठीक है। आप सभी लोग इतना दूर कर लेने के बाद राइट साइड का जो भी पोजीशन है उसको आप सभी लोग क्लिक करो, स्पीड में क्लिक और इसको 8x में टैप कर दो और 8x में टैप करने के बाद शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सभी लोगों को घुमा के नहीं ले जाना है, डायरेक्टली 8x में क्लिक और उसके बाद थोड़ा सा सेलेक्ट करके 10x पे ले जाओ। सो 10x कर लेने के बाद आप सभी लोग ये जो आप सभी लोगों का मिडिल पोजीशन है इसका, ठीक है, सो उसके बाद
उसके ऊपर चले जाने के बाद आप सभी लोग एक हिसाब लगाओ 1.5 है तो आप सभी लोगों का राइट साइड में करीबन 1.5 अब सेकंड आप सभी लोगों को कर लेना है। सो 1.5 सो उसका होगा आप सभी लोग 1.65 ठीक है। सो 1.65 ठीक है। इतना तो लेने के बाद आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर टैप सीजर में क्लिक और स्पीड टू प्ले हाइट। अब गाइस राइट साइड का जो भी पोजीशन है उसको आप सभी लोग 1x कर दो। सो ऐसे आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो के अंदर अप्लाई करो। सो इसका मैं और एक वीडियो बना के छोड़ चुका हूँ। सो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, उससे पहले ही मैं इस वीडियो को छोड़ चुका हूँ। सो वो वीडियो और ये वीडियो सेम ही है ठीक है। सो आप सभी लोगों को ये इसे सेम और एक जगह पे चली जानी है 1.9 सेकंड पे। सो इस वीडियो के अंदर टैप सीजर में क्लिक स्पीड टू प्ले हाइट इसको कर देना है 10x। सो हमारी तरह आप सभी लोग ऐसे ही करो और इस जगह से देखो गाइस 1.967 है ठीक है। सो इसको मैं 1.11 कर देता हूँ 2.11 ठीक है। सो ऐसे आप सभी लोगों को 150 मिली सेकेंड आप सभी लोगों को काउंटिंग करके इसको स्पीड टू प्ले आउट कर देनी है और राइट साइड का पोजीशन को 1x। सो आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है इधर लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। सो आप गाइस आप सभी लोगों को ये छोटा छोटा जितने भी जगह पे 10x है उतनी जगह पे आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेयर में क्लिक और फ्लैश इफेक्ट्स ऐड करने के लिए ठीक है। आप सभी लोगों को लेयर में क्लिक, मीडिया में क्लिक और इस जगह से आप सभी लोग बैकग्राउंड ले लो एक वाइट कलर की या फिर एश कलर की। मैं रिकमेंडेशन करूँगा आप सभी लोग एश कलर की लो। सो इसको आप सभी लोग जूम करके फुल करो और गाइस आप सभी लोग ब्लेंडिंग में जाके उभर ले। अब गाइस जितना दूर आप सभी लोगों का ये 10x है जैसे कि 150 मिली सेकेंड सो उतना दूर लेने के बाद राइट साइड का पोजीशन को कर दो डिलीट। सो ऐसे आप सभी लोगों का थोड़ा सा फ्लैश इफेक्ट्स ऑन हो जाएगा। सो अब गाइस वीडियो के अंदर टैप वो जो 10x वाला है छोटा सा वीडियो के अंदर टैप और ये आप सभी लोगों का जूम आइकन में क्लिक और फर्स्ट में आप सभी लोगों को क्लिक कर देना है ऊपर वाला में। सो इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का जूम करो। सो ऐसे आप सभी लोग जितनी भी जगह पे पॉइंटिंग है उतनी भी जगह पे आप सभी लोगों को कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोगों का वीडियो भी ऐसे ही हमारी तरह हो जाएगी। सो आप सभी लोगों का वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को विजिट करो। चैनल को पसंद आए चैनल के कंटेंट को पसंद आए तो तभी कैसे आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेटअप कर दो क्योंकि इस तरीके से और भी वीडियो आप सभी लोग पाना चाहते हो तो बेल आइकन को ऑल पे सेटअप कर दो ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।